अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम ये करने वाले हैं, वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त। इस वीडियो का टाइटल जो है वो इंडियन लैंग्वेज में है, जो कि मुझे नहीं पढ़नी आती अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस अकॉर्डिंगली है। जी बिल्कुल, इसी अकॉर्डिंगली है। और हम देखने वाले हैं इस वीडियो को, बिना देरी किए चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। सो उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लो, ताकि सारी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। सो देरी किस चीज़ की, चलते हैं वीडियो की तरफ। हियर वी गो। कि भारत के जो हिंदू राजा थे उनके लिए युद्ध जीवन मरण का प्रश्न नहीं होता था, शक्ति प्रदर्शन के टूर्नामेंट की तरह होता था। वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से युद्ध लड़ते थे, युद्ध खत्म होने के बाद छोड़ दिया करते थे। लॉजिकल ये है कि अलेक्जेंडर हारा होगा, बंदी बनाया गया होगा, पोरस ने उसको छोड़ दिया होगा और हारी हुई फौज पर ट्राइबल्स अटैक करते हैं। हॉलीवुड की मूवी देखिएगा अलेक्जेंडर, उसमें दिखाया गया है कि वो हार गया था और युद्ध में घायल हुआ। और उसके बाद सुनिए, एक हारी हुई फौज जा रही थी जिसका राजा रास्ते में मर गया। अब वो फौज जो बड़े जलवे से निकली थी अपने देश से कि विश्व विजय करने जा रहे हैं, क्या कहानी सुनाती अपनी जनता को कि हम गए हार के वापस आ गए और राजा रास्ते में मर गया। उसे कुछ तो बताना ही था कि हम क्यों वापस आए, तो कहानी उसी हिसाब से बनाई गई और धीरे धीरे हमको ये बात समझ में आ गई। दूसरा उदाहरण देता हूं, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। आर्यन इन्वेजन थ्योरी कब आई? 1850 के आसपास। क्यों आई 1850 के आसपास? संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, ये कहने वाला कोई हिंदुस्तानी नहीं था। सर विलियम जोन्स थे जो कि ये कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे ब्रिटिश टाइम में, जिन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई। मगर उन्होंने यह सिद्ध कब किया? 1780 और 90 के आसपास। अब ये फॉरेनर्स के लिए बहुत बड़ा झटका था कि आप तो हुकूमत कर रहे हैं और आप जिसको गुलाम बना के बैठे हुए हैं उसकी लैंग्वेज की सुपीरियरिटी आपसे ज्यादा है। फिर उन्होंने कहा भारत एक देश था ही नहीं कभी, इट वाज नेवर ए यूनाइटेड कंट्री। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक का साम्राज्य खोज लिया। अब यह पता चला कि इतना बड़ा एंशियंट एम्पायर था, बर्मा से लेके और अफगानिस्तान तक एरिया में यूरोप के बराबर, आबादी में यूरोप से डबल, इजिप्ट से लेकर जापान तक उसका इंपैक्ट था। तो अब क्या करें, अब तो पॉलिटिकली भी हमसे सुपीरियर दिख रहे हैं, नॉलेज में भी हमसे सुपीरियर दिख रहे हैं, लैंग्वेज में भी हमसे सुपीरियर दिख रहे हैं। तो अब एक ही तरीका है कि ये सुपीरियरिटी हम लेके आए थे और वहां से आर्यन इन्वेजन थ्योरी आकर खड़ी हो गई। तीसरी फॉल्ट लाइन हमारे यहां बनाई जाती है, दलित समाज को स्थान नहीं दिया जाता था, उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। मैं तो पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, भारतीय संस्कृति के दो सबसे बड़े महाकाव्य रामायण और महाभारत, दोनों के रचयिता कौन? महर्षि वाल्मीकि। आज की परिभाषा के अनुसार जो वाल्मीकि समाज है वो किस कैटेगरी में आता है? दलित। महर्षि वेदव्यास कौन? आज की परिभाषा के अनुसार कौन? सहज ही समझा जा सकता है। और अगर ये सत्य था तो संत दादू, संत नामदेव, संत रैदास, संत कबीर, दक्षिण भारत के संत थिरुवल्लुवर, ये सब उस वर्ग में पैदा होकर सम्मानित संत हुए। रानी झलकारी बाई, ऊदा देवी पासी, राजा बिजली पासी राजा भी हुए। और यथार्थ कई बार हम लोगों से ऐसा घुमा के छुपा दिया जाता था कि कई बार हम समझ ही नहीं पाते थे कि इसमें फैक्ट क्या। जैसे हम और आप सबने सुना होगा, जब गुड़गांव का नाम गुरुग्राम किया गया तो बहुत से रैशनलिस्ट खड़े हो गए कि द्रोणाचार्य के नाम पर गुरुग्राम क्यों करना, इन्होंने एकलव्य का अंगूठा कटवाया था। और एकलव्य तो दलित था, उसके साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया गया। कहीं ना कहीं हम सबके भी दिमाग में यह बात है, ईमानदारी से अगर हम कहें, हमारे पास उसका कोई रैशनल उत्तर नहीं है। आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा ना, मगर उसका कारण जानते क्या है? महाभारत में एकलव्य का उल्लेख कहां है? आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा है? हमारे में से 99 लोगों ने वो नहीं पढ़ा, इवन चैप्टर भी नहीं पता होगा किस चैप्टर में एकलव्य का उल्लेख। एकलव्य का उल्लेख महाभारत के वन पर्व में आता है, जब वो घटना है ना कि वो कुत्ते के मुंह में इतने सारे बाण थे और जब निकाला तो एक भी जगह पे उसके खून नहीं लगा हुआ था, तो अर्जुन चकित हुए कि इतना बड़ा धनुर्धर कौन आ गया। तो वो एकलव्य प्रकट होता है और द्रोणाचार्य उससे पूछते हैं तुम्हारा गुरु कौन है,
तो वो कहते हैं आप ही हैं मेरे गुरु। उन्होंने कहा मैंने तो तुम्हें देखा नहीं, मैंने तो कभी जाना नहीं, तुम गुरु कैसे हो गए? एकलव्य तुम अपने, वो पूछते हैं बालक तुम अपना परिचय दो। एकलव्य कहता है मैं मगध नरेश जरासंघ के प्रधान सेनापति हिरण्य धनु का पुत्र एकलव्य। ही वॉज अ सन ऑफ द चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ मगध। अब दो में से एक बात मान लीजिए जो कहते हैं, या तो मान लीजिए कि दलित कमांडर इन चीफ होते थे या एकलव्य दलित नहीं था, और दोनों ही नहीं मानेंगे और दोनों ही बातों को अपने अपने हिसाब से प्रयोग करेंगे। और वहां पर उल्लेख यह नहीं है कि तीर चलाने से किसी को रोकना है, तीर तो भील भी चलाते थे। याद करिए महाभारत के अंतिम समय में, पुरुष बलि नहीं होते समय हो तो बलवान, भीलन लूटी गोपिका सोई अर्जुन सोई बान। बात यह थी कि दिव्य अस्त्र यानी डिवाइन वेपन्स, वो चलाने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस के पास होना चाहिए। क्या एटम बम रहता तो पोजिशन में आर्म फोर्सेस के है, न्यूक्लियर बटन किसके पास रहता है? चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस के पास नहीं, किसके पास रहता है? प्राइम मिनिस्टर के पास। तो दिव्य अस्त्र का संधान सिर्फ राजा करेगा, यह सिद्धांत है। एंड इट हैज टू बी एंश्योर्ड दैट अलोन एंड अलोन कमांडर इन चीफ शुड नॉट हैव अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट दैट टाइप ऑफ वेपन, इट हैज टू बी एंश्योर्ड। तो वो उसका प्रतीक था। चलिए अन्याय हुआ, उसको प्रस्तुत किया गया अन्याय होने के रूप में। फिर द्रोणाचार्य की डेथ कैसे हुई? जब द्रोणाचार्य को अपने पुत्र अश्वत्थामा के मृत्यु का समाचार मिलता तो उन्होंने सारे अस्त्र शस्त्र सिखाए थे, उन्हें क्रोध आता है, अभी लो ब्रह्मास्त्र का संधान करता हूं, खत्म करता हूं पांडवों की सेना। जैसे ही वो संधान करते हैं तो भरद्वाज ऋषि समेत उनके पूर्वज प्रकट होकर कहते हैं क्या कर रहे हैं भाई, ये मर्यादा का अतिक्रमण है। यू आर नॉट द ओनर एंड एग्जीक्यूटर ऑफ दिस नॉलेज, यू आर द ट्रस्टी ऑफ दिस नॉलेज। लाइक एटम बम बनाता कौन है? डीआरडीओ। टेक्नोलॉजी किसके पास है? डीआरडीओ के पास। चलाने का अधिकार किसके पास होगा? प्राइम मिनिस्टर के पास। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटीज विल टेक ए डिसीजन व्हेन इट इज टू बी यूज्ड। द सेम थिंग वाज देयर, द्रोणाचार्य वाज डीआरडीओ, एकलव्य वाज चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेज, बट इट हैज टू बी एंश्योर्ड दैट द न्यूक्लियर बटन शुड ऑलवेज रिमेन विद द किंग। अब द्रोणाचार्य को लगता है कि अब अगर मैंने संधान नहीं किया तो पुत्र के मृत्यु का बदला नहीं ले सकता, और किया तो मर्यादा का हनन होता है, तो वो मर्यादा का हनन नहीं करते हैं। निराश होकर सारे अस्त्र शस्त्र छोड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं और उनका सर काट दिया जाता है। सो द फंडामेंटल प्रिंसिपल इज कि दिव्य अस्त्रों का संधान सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट करेगा, इसके अनुपालन के लिए यदि एकलव्य का अंगूठा कटा तो उसी के अनुपालन के लिए द्रोणाचार्य का सर कटा। मगर चूंकि हम लोगों ने वो चीजें पढ़ी नहीं और अपने हिसाब से वो चीजें जो हमें बताई गई उससे हम कहीं ना कहीं, वो लोग जो एजेंडा था ना कि हम ग्लानी हमारे अंदर होनी चाहिए, वो सेटल हो गए। दूसरा इशू बताया जाता है साहब, सीता जी को भगवान राम ने भेज दिया, बड़ा गलत काम किया, तो महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार होता था, उनको वन भेज दिया, वनवास दे दिया। ठीक है साहब, सीता जी को तो वनवास भगवान राम ने भेजा, ये राम को वनवास किसने भेजा था? केकई ने भेजा था ना। आप बताइए दुनिया किसी वर्ल्ड की किसी कल्चर में एक वुमेन की इतनी पावर थी कि राजा को अपना डिसीजन बदलना पड़े, सौतेला बेटा उसकी वजह से जंगल में जाने को तैयार हो जाए, और राजा दशरथ ने पुत्र भी छोड़ा और प्राण भी छोड़े। एक कहावत है ना, प्राणन ते सुत अधिक है और सुतते अधिक प्राण, और ते दोनों दशरथ तजे वचन न दीन हो जान। यानी लोग कहते हैं ना सबसे ज्यादा प्यारा क्या होता है, प्राण या बेटा, और वो दोनों ही उन्होंने छोड़े मगर वचन नहीं छोड़ा, यह पक्ष नहीं बताया जाता है। क्योंकि माता पिता कहने में मां बेटा तो कोई ना कोई किसी का होगा, वर्ग नहीं है जिसमें डिवीजन किया जा सके। द्रौपदी को जुए पे लगा दिया है तो बहुत गलत बात थी, उससे पहले पांच भाइयों को भी तो जुए पे लगाया, बताइए हस्बैंड वाइफ का एक दूसरा ज्यादा हक है या भाइयों का? सही बात। मगर भाई भाई को नहीं बना सकते, भाई भाई कोई ग्रुप नहीं है समाज में, मैं किसी का भाई हूं कोई मेरा भाई है, पर स्त्री पुरुष दो वर्ग है, इसमें टकराहट पैदा करो जितना टकराहट पैदा कर सको। और ध्यान नहीं रहता होगा बहुत सी चीजों में, रामायण और महाभारत दोनों का अंत कहां पे होता है? रामायण का अंत भगवान राम के राज्याभिषेक पे नहीं होता, जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा
लव कुछ पकड़ तो लेते हैं, सारी भगवान बातें सारी इन्होंने सेना जो को की परास्त हैं कर वो देते हैं, बहुत ही भगवान एक से हमें युद्ध करने के लिए आते नॉलेजेबल हैं, की हैं और तब पॉइंट टू सीता पॉइंट माता आके की हैं। कहती हैं युद्ध मत करो ये तुम्हारे पिता हैं। तब भगवान राम अपनी गलती पर पश्चाताप करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप वापस चलिए, सीता जी नहीं जाती हैं और धरती में समा जाती हैं। दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ रामायण। एंड एंड पॉइंट ऑफ महाभारत क्या है? युधिष्ठिर के राज्याभिषेक से नहीं, न यादवी वंश के समाप्त होने से, भगवान कृष्ण की मृत्यु द्वारका में बहिलिये के द्वारा तीर लगने से क्यों हुई थी? गांधारी के श्राप से, कि जैसे मेरे पुत्र की मृत्यु हुई ऐसे ही तुम्हारी मृत्यु होगी। इसका अर्थ क्या हुआ? दोनों ही महाकाव्य ईश्वरी शक्तियों की आसुरी शक्तियों पर विजय पर समाप्त नहीं हो रहे हैं, ईश्वर के ईश्वरत्व पर स्त्री के सतीत्व की विजय पर समाप्त हो रहे हैं। मगर इसके बावजूद हमें दूसरे ढंग से बताया गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जितने भी फॉल्ट लाइंस हैं, आप थोड़ा थोड़ा एनालिसिस, इसमें मैंने आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं बताई जो आप सबको नहीं पता थी, केवल यह है कि हमने उसका कनेक्शन नहीं एस्टैब्लिश किया था। कनेक्शन एस्टैब्लिश करिए, एवरीथिंग विल बी क्लियर। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं अंत में, परिवर्तन का काल चल रहा है और परिवर्तन का दिशा निर्देश उंगली करती है, उंगली को सही ढंग से प्रयोग करेंगे तो सही दिशा में देश जाएगा। और ये भी आप तय मान लीजिए कि ये डिसाइडेड है, दिस इज डिसाइडेड बाय डेस्टिनी कि ये होना है। आप कहेंगे कैसे मान लें जी? मैं आपसे पूछता हूं, 1 जनवरी 1901 को जब इस देश में सूरज उगा तो इस देश में किसकी सरकार थी? अंग्रेज की। 1 जनवरी 1951 को किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। और 1 जनवरी सन 2001 को जब 21वीं सदी के पहले सूरज की पहली किरण इस धरती पर पड़ी तो किसकी सरकार थी? अटल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार थी। और अगले दशक में मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत आया। इसका मतलब क्या हुआ? ये नियति का संकेत है, दिस इज द डिजाइन ऑफ डेस्टिनी, जिस तरफ हम जा रहे हैं, जो मैंने पहले कहा था हर 20 साल में बदल रहा है। अब आप ये समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण ने भी जब गीता में पूरा उपदेश दे दिया था उसके बाद भी अर्जुन को कॉन्फिडेंस नहीं आया था, आने वाला वक्त और अच्छा होगा। भगवान ने विराट रूप दिखाकर कहा देखो ये तय है, ये होना है और तुम्हें राज करना और इन्हें जमीन पे पड़े होना है। तो अर्जुन ने कहा महाराज जब ये तय ही है तो फिर काहे बात का खून खराबा करना, आप पलक झपकाइए और ये सिंहासन पे मैं बैठाऊंगा, ये जमीन पे पड़े होंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा देखो तय तो है मगर मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार, हम उसे बदल नहीं सकते। इसलिए डेस्टिनी तय है, बदलना तय है, बस सही बात। आपको उतना काम करना है, जैसे आपके मोबाइल में कोई गीत रिकॉर्डेड है तो बजना तो उसका तय है, बस एक बार पुश बटन यूं करना है और आप देखिए उसका बजना शुरू हो जाता है। इसलिए अंत में कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि इंडिया इज कंसीडर्ड एज द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, दिस इज ट्रुथ, बट दिस इज हाफ ट्रुथ। द फुल ट्रुथ इज दैट वी आर यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। वी आर हैविंग ए प्रॉमिसिंग फ्यूचर एंड द गोल्डन पास्ट। क्या बात! And it is only India which can give the solution to the entire world for all when it is called the clash of civilizations. We are the only having capability to give a coherence in the various clashes because we are having capability to create coherence in the divergent issues. इसलिए मैं सिर्फ ये कहकर समाप्त करूंगा कि गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है। गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद। जितना भी इनको हम सल्यूट करें, जितना भी हम इनकी तारीफ करें, उतना ही कम है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सुधांशु त्रिवेदी सर जो हैं उनको उनकी जो बातें हैं और बात करते वक्त उन्होंने जिस जिस तरह की एग्जांपल्स देकर अपनी बात को कन्वे किया है, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो बात कर रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने अपनी न्यू जनरेशन को एक लेसन दिया है, एक मैसेज दिया है, अपना एक मैसेज जो है वो डिलीवर किया है, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। सो गाइज, सुधांशु त्रिवेदी सर जो हैं इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है कि देखो जो गुजरा हुआ वक्त है उसके बाद जो आने वाला वक्त है वो एक अच्छे से अच्छा बनता जा रहा है। जैसे कि अगर आप देखते हैं
जो है प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं, उनसे पहले अटल वाजपेयी सर जो थे उनकी गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी, फिर मोदी जी आए उनकी गवर्नमेंट बहुत अच्छी रही। तो इस तरह से वक्त बदलता जा रहा है लेकिन अच्छे तरफ जाता जा रहा है। इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो हमारे यंगस्टर का भी है। और लास्ट में इन्होंने एक बात कही, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि इंडिया के जो यंगस्टर हैं वो पूरी दुनिया में फेमस हैं, मतलब कि इंटेलिजेंट होने के नाते और आईटी ओवरऑल, मतलब ये उनका कहने का बेसिकली मतलब था जो कि इन्होंने हिडन वर्ड्स में कहा। तो फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये इसको करेक्ट कर देता हूँ क्योंकि ये हाफ ट्रुथ है, हाफ पूरा जो सच है वो ये है कि ओल्ड सिविलाइजेशन के ये यंगस्टर जो हैं ये लोग मतलब कि ज़्यादा आगे जा रहे हैं। और ये बात सच है और आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये बढ़ते ही जाएंगे आगे। और इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ ये बात कही, जैसे महाभारत, द्रौपदी के बारे में कहा कि उनको जो है इन्होंने जिसने जुए में हार गए लेकिन उसके साथ अपने भाइयों को भी हार गए, तो वो एक अच्छी एग्जाम्पल देखी उन्होंने अपनी नेशन को जो है वो समझाने की कोशिश की। एंड उसके बाद फिर श्री कृष्ण जी जो है उनके कृष्ण जी के बारे में कहा कि कृष्ण जी जो हैं उनको एक श्राप मिला हुआ था जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई, जैसे कि उनको उनको जो है वो एक शिकारी ने जो है उनके तीर से जो है वो उनकी डेथ हो गई कृष्ण जी की। ये एक एग्जाम्पल देते हुए बताया हर चीज़ के बारे में। इससे एक ही लेसन हमें मिलता है, दैट इज़ कि हमें जो है वो अपनी जो देखो जैसे DRDO एक बनाता है, ये सारी चीज़ें बनाता है लेकिन उनको राइट नहीं होता, इस चीज़ का राइट नहीं है कि वो इस चीज़ को ऑन कर सकें, इस चीज़ को चला सकें, लेकिन राइट किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। वैसे ही गवर्नमेंट का सारे राइट जो होते हैं वो एक मतलब कि स्पेसिफिक पर्सन के पास है। इसी तरह से कहीं कहीं मुझे ये भी लगा कि ये भी लेसन देना चाह रहे हैं कि कंट्री के जितने भी मामलात हैं वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास ही होने चाहिए और हर अदारे के पास उसका राइट होना चाहिए, कोई भी आकर कुछ भी बोल दे ये नहीं होना चाहिए। और ऐसा होता भी नहीं है भारत में, ये इन्होंने दिखाने की कोशिश की है जहाँ तक मुझे आइडिया हो रहा है। बाकी बहुत अच्छे से समझाया मुझे इनकी पर्सनालिटी जो है वो सुधांशु जो हैं सर उनकी बहुत अच्छी लगी, उनकी नॉलेज काफ़ी हद तक है और दूसरे लोगों से बिल्कुल इनको मुख्तलिफ बनाती है। और तो बाकी यही कहूँगी कि ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, काफ़ी नॉलेजेबल थी, यकीनन आपको भी इनसे बहुत सारी इंस्पायरेशन मिली होगी। ये पावरफुल मैसेज जो है वो एंड जो किया वो बहुत ही ज़बरदस्त था, लाजवाब था। और इसको आपको कैसा लगा, आपने इसे क्या हासिल किया वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं लेकिन वो अपने राइट्स को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना नहीं जानते, उसके मामलात में हर कोई आकर टांग अड़ा रहा होता है जिसकी वजह से उनको बहुत सारी चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि भारत में जो है वो काम जिस अदारे के हैंड ओवर है वो उसी के पास ही राइट होता है वो सारी चीज़ें करने का। इसमें ये चीज़ें सारी जो हैं वो हमें दिखाई गई हैं, बताई गई हैं और एनालिसिस किए गए हैं और बताया गया है कि सारी मतलब एक हिस्ट्री को लेकर इन्होंने हमें एग्जांपल दिए, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। यस, मोदी जी के बारे में लास्ट में कहूँगी कि मोदी जी वाकई में ही एक अच्छी गवर्नमेंट लेकर चल रहे हैं और उनके आने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होते हुए देखी हैं, सच एज हमारी जो सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत कुछ आ जाता है, बहुत कुछ जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है भारत की, और एजुकेशन और रोड और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया है, हर उस चीज़ के ऊपर दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप अच्छे बनाने की कोशिश की जा रही है। एंड ये बहुत अच्छी बात है जो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो ये चीज़ें हमें दिखाती हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपनी कंट्री के लिए कितना लॉयल हैं और वो क्या क्या करना चाह रहे हैं बेसिकली। और इसमें हमारे यंगस्टर जो इंडियन यंगस्टर हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी एफर्ट है कि वो लोग हमेशा से ही कुछ ना कुछ न्यू करने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी कंट्री का नाम जो है वो आगे बढ़े। आई माइट बी मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शायद मैंने
मतलब कि पिक्की हैं, आई डोंट नो कि उसमें कितनी राइट है कितनी रॉन्ग है, ये आप मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे अच्छा लगेगा। एंड कोई सजेशन हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं अपनी कोई भी नेक्स्ट वीडियो जो कि आप चाह रहे हैं कि मैं उस पर रिएक्ट करूँ। सो आप उस पर लिंक शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा और हम उस पर ज़रूर रिएक्ट करेंगे। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं हूँ साइमा पीरज़ादा, टिल देन बाय बाय।